नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पोल्ट्री। तो दोस्तों स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज मेरे चिक्स का है डे वन और आज पहले दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये बताऊंगा। तो सबसे पहले 5 बजे के टाइम पे मेरे पास आ जाते हैं चिक्स और ये होते हैं ये हो गए पूरे 29। ठीक है, चिक्स आने के बाद मैं क्या करता हूँ इन्हें के करके क्रेट से बाहर निकाल लेते हैं। और यार टाइम था 5 बजे ये पहुंचे थे तो मैंने 4 बजे से ना बुखारियां जला दी थी। मैंने 2 बुखारियां लगाई थी तो दोनों की दोनों मैंने 4 बजे के टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट कर दी होती है। और आप लोग भी अगर डालते हो तो जल्दी ही इसको स्टार्ट कर लेना ताकि टेम्परेचर बना रहे उनके आने से पहले। जैसे ही वो बाहर से आए ठंडे से तो अंदर उनको टेम्परेचर अच्छा मिले ताकि वो परेशान ना हो। तो आप पहले ही बुखारी जला के रखना टेम्परेचर ताकि बना रहे। उसके बाद इनका टाइम था पानी देने का। तो पानी में मैं 24 घंटा में क्या करता हूँ गुड़ का पानी चलाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये गुड़ का पानी है। गुड़ में मैं मिलाता हूँ सोडा, खाने वाला सोडा, और साथ ही साथ उसमें मैं मिलाता हूँ हल्दी का पैकेट, क्योंकि ये योक खोलने में बहुत मदद करता है चिक्स का। और हल्दी लाइक एंटीबायोटिक काम करती है। ठीक है, एक कुदरती एंटीबायोटिक होती है हल्दी, तो मैं हल्दी हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इन्हें दे देता हूँ पानी, तो ये पानी पीने लग जाते हैं। तो पूरा दिन भर आराम से ये पानी पीते हैं। पानी लगभग मैं पिलाता हूँ 4 से 5 घंटे तक का मैं पानी ही पिलाता हूँ और इन्हें थोड़ा सा भगाते रहते हैं ताकि ये भागते रहें। ठीक है, ताकि योग इनका जल्दी खुल जाए। तो 5 घंटे पानी के बाद अब आती है बारी चारा देने की। तो चारा जो पहला दिन होता है मैं चारा हमेशा ज़मीन में देता हूँ, नीचे डालता हूँ चारे को और नीचे पेपर में बिछा के चारे को देता हूँ। तो पहले दिन मैं चारा नीचे ज़मीन पे ही देता हूँ, तो आप लोग को भी ज़मीन पे ही देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। जैसे ही चारा देता हूँ तो ये लोग बहुत ही आराम से चारे को खाने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है मेरा चारा। ठीक है, चारे के साथ साथ मेरी दवाइयाँ भी आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ दवाई कौन कौन सी मेरे पास आई है। तो दोस्तों अगर दवाई की बात करें तो यहाँ पे मुझे मिल रखी है आईबी की तरफ से 2 डब्बे मेरे को मिले हैं आईबी सीआईडी के। ठीक है, ये एसिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, इसका काम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है। साथ में मेरे को मिली है आईबी की इन्यूरो बीएच, इसमें है आपका एंड्रोफ्लोक्सासिन और ब्रोमोहेक्सासिन और एचसीएल ओरल सोल्यूशन वेक्ट। तो ये भी एक अच्छी दवाई है, इसका भी यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है। और एक मिली है मेरे को हेप्टोकेयर। ठीक है, हेप्टोकेयर लिक्विड, ये 5 लीटर का कैन है। ठीक है, और लास्ट में मेरे को यहाँ पे मिला है आईबी की तरफ से नियो प्लस। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इन सारी मेडिसिन के जितने इनके यूज़ मैं बता दूंगा आपको कल की वीडियो में। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कल से कौन सी दवाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं अब हालत दिखा देता हूँ कि अभी रात में क्या हालत है मेरे चिक्स की। तो गाइज अगर अभी चिक्स की हालत देखोगे तो ये लगभग सो चुके हैं। ठीक है, पानी जो शाम को भी चला है वो भी मैंने गुड़ का पानी दिया है। तो 24 घंटे जो पूरा है वो गुड़ का पानी दे रखा है मैंने। ठीक है, और साथ में चारा जो आज का दिन है पूरा का पूरा चारा मैं खिलाऊंगा नीचे अखबार में, और चारा भी डाला हुआ है। और टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि टेम्परेचर हमारा कितना है रात में। ठीक है, बुखारी चेंज कर दी है, बुखारी जो मैंने जलाई थी वो मैंने जलाई थी 4 बजे। ठीक है, सुबह, और मैंने वो चेंज कर दी है अभी। और अभी अगर मैं टेम्परेचर अगर आपको दिखाऊं, टेम्परेचर होगा एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना टेम्परेचर है। तभी अगर आप देखेंगे चिक्स, अगर आप देखेंगे बुखारी के कोने में नहीं बैठा है, नहीं तो अगर टेम्परेचर अगर सही नहीं होता है ना, आपने को देखने के लिए मिलता होगा कि बुखारी के कोने में चिक्स बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर मेंटेन ऐसा रहना चाहिए। देखिए टेम्परेचर है 37.8, तो मतलब 38 पहुंचने वाला है ये। ठीक है, ये सेल्सियस में बता रहा है, फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर लेना तो ये आपका 95, ये होगा आपका मेरे ख्याल से 99 समथिंग होना चाहिए ये। ठीक है, तो अच्छा टेम्परेचर है, सारे के सारे बैठे हुए हैं आराम से। और एक्टिव की बात करूं, सब सो चुके हैं यार, इन्होंने बहुत चारा खा रखा है। ठीक है, वो देखो किस तरह से सो रखा है, इस वाले को देखो भाई, ये इस वाले को देखो, ये इसका सोने का तरीका देखो, एकदम टांग फैला के भाई, ये ऐसा लग रहा है ये वाला। हाँ,
ये वाले को देखो आप, एकदम ऐसा सो रखा है जैसे गद्दे में सोया होगा। तो इसी तरीके का आपको मैनेजमेंट रखना है अपने पोल्ट्री फार्म में, ताकि मोर्टैलिटी ना हो। ठीक है, मोर्टैलिटी की बात करूँ, आज वैसे कोई मोर्टैलिटी नहीं थी, लेकिन जो वहाँ से आती है ना मोर्टैलिटी, तो उसमें 3 मोर्टैलिटी थी जो मैं देख नहीं पाया। ठीक है, एक तो मैंने माइनस करा ली थी, और जो बाकी थी 2 तो मरे मिले थे और एक थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ था जो मोर्टैलिटी हुई। तो 3 मोर्टैलिटी है आज की, बट वो ना के बराबर है, वो अगर मैंने ठीक से देखा होता तो वो भी नहीं होती। बट वैसी कोई मोर्टैलिटी नहीं है कि दब के मरे हों, कमज़ोर होके मरे हों, कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। ठीक है, बाकी एक बार बात कर लेते हैं इनको कितने एक्टिव हैं। तो देखो मच गई खलबली एकदम, ये देखिए सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं ये। तो ये देखिए, तो अभी यार चलते हैं। ठीक है, एक बार मैं बाद में आऊँगा इन्हें देखने के लिए रात में कि कैसे हालत है। चारा अगर कम पड़ेगा तो वैसे दे देंगे, बाकी अभी जो माहौल है पूरा का पूरा मस्त बना पड़ा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रखा है। तो अभी यहाँ से जाने में फ़ायदा है और इन्हें बाय बाय गुड नाइट कहने में फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको Day 2 की वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यार कैसा रहा मेरा दिन, और कल दूसरे दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कौन सी मेडिसिन चलानी है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो वो मिस मत करना, देखना, और डेली देखते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।